नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद, आप देख रहे हो रेडियो का फ्यूथ प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक एनसीसीटी ब्रेन। एनसीसीटी ब्रेन में एक एसओएल है। एसओएल का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो वो आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए इस पेशेंट का इसमें जो है, इस पेशेंट का ये जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं इधर एक एसओएल है। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है एक एसओएल है। इसका मेजरमेंट कितना है आप मेज़र कर लीजिए। एपी डायमीटर है आपका, इधर शो कर रहा है 35। ठीक है, टीआर कितना है? टीआर मतलब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है? 31। ठीक है, ये दोनों आप मेज़र कर लीजिए। और ये है राइट बेजल गैंग्लिया पे, ये राइट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। पेशेंट का ये एक एसओएल है जो कि मास इफेक्ट दे रहा है एडजेसेंट सालसाई के ऊपर और राइट लैटरल वेंट्रिकल जो है उनका ऊपर। ये देख सकते हो आप, ये है राइट लैटरल वेंट्रिकल, ये है एंटीरियर हॉर्न, ये पोस्टेरियर हॉर्न। तो ये है लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल देखिए कितना स्पेस लेके है, लेकिन राइट लैटरल वेंट्रिकल जो है वो थिन हो गया है। मतलब इसका ऊपर, इसका ऊपर ये वाला मास इफेक्ट दे रहा है, ये ठेल रहा है इधर। ठीक है, ये जो लीजन है वो मास इफेक्ट दे रहा है। और ये मास इफेक्ट देने से क्या हो रहा है? मिड लाइन शिफ्ट हो गया है। ये है मिड लाइन, ये था पेशेंट का मिड लाइन। ठीक है, दो वेंट्रिकल का मिडल में जो था कॉर्पस कॉलोसम के बीच में वो था मिड लाइन। लेकिन ये इस पेशेंट का क्या हुआ? मिड लाइन शिफ्ट हो गया। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। मिड लाइन शिफ्ट मेजर कैसे करेंगे आप लोग? ये जो क्रिस्टा गैलाई है और इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस जो है वो आप एक लाइन कर लीजिए। और ये जो मिड लाइन, जहाँ से मिड लाइन ब्रेन का जो है वो कितने लेफ्ट की तरफ गया है वो मेज़र कर लीजिए। 8.5 mm है ये पेशेंट का मिड लाइन है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे रहना चाहिए था। ये मास इफेक्ट दे रहा है, ये ट्यूमर जो है, ये सोइल जो है, ये मास इफेक्ट दे रहा है। और ये टोटल मिड लाइन को ये लेफ्ट की तरफ 8 mm साइड कर दिया। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ 8 mm साइड कर दिया। तो ये मास इफेक्ट बोलता है, ये मास इफेक्ट दे रहा है। और बहुत सारा एडिमा भी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एडिमा है। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब में भी है, फ्रंटल लोब में भी है और पैराइटल लोब में भी है। ये है एडिमा, लार्ज एडिमा हो गया है फ्रंटो पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब में। और क्या हुआ? और पेशेंट का मिड लाइन शिफ्ट हुआ, मास इफेक्ट भी है लेफ्ट राइट लैटरल वेंट्रिकल के ऊपर और एडजेसेंट सालसाई के ऊपर मास इफेक्ट है। पेशेंट का मिड लाइन शिफ्ट हुआ थोड़ा लाइट की लेफ्ट की तरफ 8 mm का। और एक ट्यूमर है 3.5 × 3.1 cm का, एक एसओएल है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है इन राइट बेजल गैंग्लिया रीजन। ये सीटी स्कैन में इतने अच्छा दिख नहीं रहा, ये जब आप एमआर करोगे तब तो इनका फाइनल डायग्नोसिस आप दे पाओगे जो ये क्या है। ठीक है, जब आप एमआर करोगे इनका, ये पेशेंट का एमआर विथ कॉन्ट्रास्ट विथ स्पेक्ट्रोस्कोपी एमआरएस, एमआर प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट विथ एमआरएस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जब इनका करेंगे हम लोग, उसके बाद ये फाइनल डायग्नोसिस मिल जाएगा ये क्या है ये ट्यूमर। ये ट्यूमर हम लोग इधर से देख रहे हैं, मिक्स डेंसिटी है। मान लीजिए यहाँ पे जो डेंसिटी है, यहाँ का डेंसिटी वो अलग है। बीच में देखिए ये ब्लैक जैसा है, थोड़ा ब्लैक है, और ये पेरिफेरी में ये वाइट है। ठीक है, ये नॉन कॉन्ट्रास्ट है लेकिन इतना वाइट दिख रहा है। ठीक है, ये कैसे मेज़र करेंगे हम लोग? एचयू सीटी वैल्यू हम लोग कैसे मेज़र करेंगे वो भी देख लेंगे इसी वीडियो में। इनका मान लीजिए इनका सीटी वैल्यू मेज़र करना होगा तो आप ये एक आरओआई ले लीजिए, यहाँ से आप आरओआई ले लीजिए। एक आरओआई का मतलब तो आप लोग पता है, आप लोगों को रीजन ऑफ इंटरेस्ट।
ये हम लोग का रीजन ऑफ इंटरेस्ट है अभी, ठीक है, ये जो राउंड वाला है ना, ये वाला, तो इसमें हम लोगों का वैल्यू कितना दे रहा है, सिटी वैल्यू, सिटी वैल्यू दे रहा है ये देखिए, ए वी का मतलब है एवरेज वैल्यू 38 दे रहा है, ठीक है। सिटी में हाइपर कौन कौन क्या क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है और एक्यूट हेमरेज भी होता है हाइपर, लेकिन कैल्सिफिकेशन का और एक्यूट हेमरेज का जो डेंसिटी रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, 38 नहीं है और भी थोड़ा ज़्यादा है। ये है आइशो टू हाइपर, ठीक है, ये टोटली हाइपर नहीं है, जैसा कि ये वाला हाइपर है बोन, ये बोन में है, ये वाला हाइपर है। हाइपर देखिए कितना दे रहा है, एवरेज वैल्यू दे रहा है 825 दे रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे रखोगे पेशेंट का ब्रेन में, जो यहाँ पे रखोगे ये लीजन पे, तब दे रहा है एवरेज वैल्यू 36। तो आप मान लीजिए 35, 36, 38 यही दे रहा है ना, ये देखिए 33 दे रहा है। जब आप कोर एरिया पे रखोगे तब देखोगे कितना दे रहा है, जब आप जो हाइपो है वहाँ पे रखने से आपका सीटी वैल्यू थोड़ा कम होगा, 26 दे रहा है, देखिए कम हुआ, 10 कम हो गया, देखिए ब्लैक में रखिए 10 कम हो गया है, मतलब यहाँ का जो डेंसिटी है, बाहर का जो डेंसिटी है वो अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ब्लैक जगह पे आप रखिए 24 दे रहा है, जब आप व्हाइट जगह पे रखोगे, ये जो व्हाइट है हाइपर है यहाँ पे रखोगे तब दे रहा है 33, ठीक है। जब आप ब्रेन पैरेन्काइमा पे रखोगे, ये देखिए ये नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा है, यहाँ पे दे रखिए 34 दे रहा है, ठीक है, उनका जैसा ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हाइपर नहीं है, ये जो है ये हाइपर नहीं है, ये नॉर्मल पैरेन्काइमा है, लेकिन इतने इडिमा जो है ना, यहाँ पे जो इडिमा हो गया है, ब्लैक हो गया है, इनको बीच में ये वाला रीजन आपको हाइपर मिल रहा है, ठीक है, ये और अलग कुछ नहीं है। तो ये एक एशोएल है, इसका हम लोग एनसीसीटी में सिटी वैल्यू दे रहा है 33 to 38, ठीक है, ये मिक्स डेंसिटी का एक एशोएल है, यहाँ पे अलग डेंसिटी है, ठीक है, मिडिल में, और बीच में जो फेरी में एक अलग डेंसिटी है विथ ह्यूज एडिमा भी हो गया है और मास इफेक्ट हुआ है और मिड लाइन शिफ्ट है थोड़ा लेफ्ट की तरफ 8 mm का। तो आज यही था एक वीडियो सिटी स्कैन में, ये क्या ट्यूमर हुआ है नहीं हुआ है, ये आपका क्या डायग्नोसिस लग रहा है, ये आप कमेंट करके जरूर डाल दीजिए। और ये वीडियो था एक एशोएल ब्रेन में एक एशोएल लेके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेरी है तो मन में तो कमेंट करके जरूर डाल दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।